फाइनली आ गया। दीदी पता है कितने दिनों से सोच रही थी कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, फाइनली आ गया क्या दीदी का रिजल्ट। एंड वैसे कल मेरी सो हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज भी मैंने ब्लॉग लिया स्टार्ट किया एंड अभी 3:46 हो रहे हैं। मैंने आज एक घंटे बाद ब्लॉग स्टार्ट किया कल से कंपेरिजन करें तो। और उसका रीज़न ये है कि 11:20 में मेरी क्लास थी तो मेरे फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था, 0% चार्जिंग थी तो मैंने चार्जिंग पे लगाई। फिर मेरे फ़ोन की 2-3 घंटे में होती है, 2 बजे तक हुई फुल। फिर उसके बाद 2 बजे आज जो है मतलब कि फाइनली जो मेरी दीदी आप सबको पता ही है प्रियांशी जिंदा, तो उनके आज 12th का रिजल्ट आना था। बोर्ड एग्ज़ाम्स तो उनके कैंसिल हो गए थे बट फिर भी उनके दीदी ने मेरे प्री बोर्ड दिए थे, वो भी ऑफलाइन। बहुत मेहनत की थी मेरी दीदी ने, मैं जानता हूँ, मैं देखता था दीदी रात को 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ती थी। तो उसका परिणाम है मेरी दीदी के 96.4% आए हैं, तो जो काफ़ी प्राउड फील होता है मुझे कि मेरी दीदी वो है जिसके 96.4% आए हैं 12th में। तो ये बात मैं कह सकता हूँ, कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगा मेरी दीदी 96.4% वाले का भाई हूँ मैं। काफ़ी गर्व होता है इस बात का। एंड अभी ऐसा अभी 3:48 हो रहे हैं तकरीबन, 2:10 पे दीदी ने चेक कर लिया था। तो फिर उसके बाद दीदी का काफ़ी मतलब कि फ़ोन कॉल्स आपको पता ही है और व्हाट्सएप मैसेज वगैरह 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 वगैरह। आ रहा हूँ मम्मा। एंड गाइस अभी मेरे मम्मा बुला रही थी तो इसलिए मैंने मम्मा को बोला आ रहा हूँ, मम्मी को चाहिए था अपना फ़ोन 1 सेकंड के लिए ब्लॉक करने के लिए लाया था, बट जब मैं ब्लॉग में आता हूँ मैं बोलता ही रहता हूँ। एंड उन्हें फ़ोन आया था एंड अभी वो गए हैं अपने स्कूल मतलब कि मिठाइयाँ मिठाइयाँ देने, और उनकी फ़ोटो खींचेगी CEO के साथ स्कूल के और अखबार में आएगी। तो काफ़ी गर्व की बात फील होती है मुझे कि मेरी दीदी की क्या मेरे पास शब्द नहीं आएगा इस कहने के लिए। तो अभी मैं अपनी मम्मी को लूँगा फ़ोन तो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। गाइस अभी शाम के बज रहे हैं तकरीबन 6:30 हो रहे हैं। एंड गाइस अभी मैं बाहर आया था ब्लॉग बनाने के लिए। एंड गाइस मेरी दीदी आ चुकी है, वो अपने फ्रेंड के साथ गई थी पार्टी करने क्योंकि वो अच्छे नंबर आए हैं। तो आपको पता ना कि गर्ल्स होती हैं चलो चलो पार्टी करते हैं, पर मेरी दीदी लिटरली कुछ भी खाती नहीं होती हैं। और मेरी दीदी पीछे मेरे अंकल से बात कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा आपको आवाज़ आई होगी मेरी दीदी से। सारे मेरी दीदी को इतने मैसेज आ रहे हैं ना, मुझे तो लगता है जितने बर्थडे पे नहीं आते उतने आज आगे, क्योंकि सब की खुशी होती है सबको कि हमारे परिवार में किसी ने टॉप किया है। मुझे भी काफ़ी गर्व होता है मेरी दीदी। फ्रेंड गाइस आज कल पता क्या आ गया, ये देखो अभी ध्यान से देखना क्या ऑर्डर है, कितने सारे ड्रैगन फ्लाइज आ गए हैं। गाइस मेरे को तो इनसे भी डर लगता था पर मेरे पापा ने मुझे बताया, इन्हें टिड्डे कहते हैं, मेरे पापा ने मुझे बताया कि ये काटते कूटते कुछ है नहीं, कुछ होते हैं नहीं, ये ज़्यादा मतलब कि कुछ हार्म तो करते नहीं है। मैं कहा फिर काहे को डरना, मैं पता ही नहीं हूँ अब। एंड अभी भी मेरी दीदी बात करी है वो रही चली गई। मैं आपको गाइस अगर दीदी इससे परमिशन लेके, वैसे मेरी दीदी पहले ब्लॉग में आ चुकी है तो शर्माना क्या, पर मैं दीदी से पूछूंगा अगर वो आएगी ब्लॉग में तो देखते हैं क्या होता है। बाकी गाइस से मेरे को बहुत खुशी है। एंड गाइस अब पतंग उड़ना भी शुरू हो चुके हैं और अभी मेरी फ़ोन की बैटरी बहुत कम हुई है तो मैं आपको मिलता हूँ, फ़ोन को चार्ज कर लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ बाद में। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 9:47 एंड अभी मैं डिनर करके आ चुका हूँ जो कि काफ़ी टेस्टी था। मेरी मम्मी ने दाल बनाई थी और दाल में परौंठा था, मज़ा आया था यार मम्मी की हाथ की दाल के हाथ में। पहले वो माँ की दाल थी और माँ ने बनाई तो इतनी टेस्टी हुई ना कि। एंड गाइस ये देखो बैनी मेरे मम्मा ने सैर कर रहे हैं एंड अपने अभी फ्रेंड के साथ अपने बात कर रहे हैं। मेरे मम्मा के एक फ्रेंड हैं जिनके साथ वो सैर करने जाते हैं तो वो सब बात करें दीदी का रिजल्ट के बारे में, तो दीदी के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो एंड ये देख ये वेट कर रहा है कि मेरी मम्मा और दीदी कब आएंगी। मम्मा तो मेरे यहाँ पर बात कर रहे हैं, दीदी सैर करने गई हुई है। और मेरी दीदी एक मेरे भैया हैं फरीदाबाद में रहते हैं, वो उनसे बात करते करते सैर करती है हमेशा 1-1.5 घंटा, फिर आएगी फिर उसके बाद फ़ोन 1 बजे तक फ़ोन, फिर सही सुबह 11 बजे तक नहीं उठना है, बड़ी अच्छी बात है। एंड अभी मेरे मम्मा आ चुके हैं और अभी मेरे को मम्मी को फ़ोन चाहिए होगा, मम्मी को TV देखना होता है, साथ में थोड़ा फेसबुक चलाना होता है, व्हाट्सएप वो सब चलाना होता है। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 10:30 एंड गाइस आपको देखा होगा पीछे TV, तो मेरे पापा भी TV देख रहे हैं एंड मेरे मम्मा सो चुके हैं अभी, वो आधे घंटे से अपने मतलब कि आज मम्मी अपने शोबिन देखा, मतलब कि मेरी एक चाची और एक मेरी मासी का फ़ोन आया था अलग अलग, तो मैं और मेरी दीदी आज का लिटरली काफ़ी फ़ोन आए, इतने फ़ोन बर्थडे पे नहीं है जैसे कि मैंने उगाई इतने दीदी को आ जाए।
एंड गाइस आज दीदी का 12th का रिजल्ट फाइनली आ गया। दीदी पता है कितने दिनों से सोच रही थी कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, फाइनली आ गया दीदी का रिजल्ट। एंड गाइस कल मेरी छुट्टी है तो इसलिए मैं आराम से उठूँगा, तो अभी मैं थोड़ी देर में एडिटिंग कर लूँगा गेम खेल के तो। एंड अभी मैं टीवी देख रहा था मेरे पापा के साथ, और दीदी मेरी फ़ोन चला रही है। एंड बैन अभी नखरे करा था बट वो जैसे तैसे करके सो चुका है। एंड मैं इसी रूम में आया था चदरे लेने के लिए, यहाँ पे चदरे बड़ी होती हैं रात को में ठंड, और फिर 3-4 दिन से मौसम ऐसा ना रात को ठंड में आपकी थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगती है, चदर मैं पूरी लेके सोचता हूँ। मम्मी तो वहाँ सोते लास्ट में उन्हें पंखे में ही नींद जाती है, पहले मम्मी को ऐसे चाहिए होता था क्योंकि गर्मी थी बट अब तो मौसम ठीक है। एंड गाइस ये देखो ये मैंने चार्जर लगाया था यहाँ पर अपने फ़ोन, मैंने बंद ही नहीं किया हुआ, मुझे अभी याद आया है। बस आपको लग रहा होगा कि मैंने वीडियो के लिए नहीं किया था बट मैंने रियली में नहीं किया था तो मैंने कर लिया है। तो गाइस अभी मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में गेम खेल के। सो गाइस अभी जो है रात के बज रहे 11:26 एंड गाइस आज सोचूंगी कि मैं इस समय पर तो सो चुका होता हूँ बट आज मैं क्यों जाग रहा हूँ, क्योंकि गाइस कल मेरी क्लास नहीं है तो मैं सो जाऊँगा और सुबह 9-10 बजे तक आराम से उठूँगा। एंड गाइस कल मेरे एक बुआ आ रहे हैं जो कि रहते हैं बहादुरगढ़ में, तो मेरे को पापा के एक ही हैं जो मेरे पापा के रियल सिस्टर हैं, तो वो आ रहे हैं कल काफ़ी टाइम के बाद, तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे उनसे मिल के। वो 2-3 दिन के लिए हमारे घर स्टे करेंगे। और एक मेरी दादी आ रही है, मेरे जो रियल दादी हैं उनके मतलब की सिस्टर। एंड गाइस अभी मेरी एडिटिंग होती है, एडिटिंग में मैं अभी 11 बजे तक मैंने गेम खेली, फिर मुझे याद है मुझे ब्लॉग एंड भी करना है और एडिटिंग भी करनी है, तो मैं एडिटिंग भी बैठा और एडिटिंग मेरी थोड़ी सी हो चुकी है। तो वैसे मैं इस को यहीं पर एंड करता हूँ, तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।